बाड़मेर के विशिष्ट न्यायालय ने 11 साल पुराने विस्फोटक और आर्म्स मामले में फैसला सुनाते हुए 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल इस मामले में 4 अन्य आरोपी भी हैं, जिनमें 2 पाकिस्तान के कुख्यात तस्कर फोटिया और आलिया फरार हैं, जो अभी पाकिस्तान में हैं। वहीं बब्बर खालसा के 2 आतंकी विदेशों में फरार बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में 2009 में पाकिस्तान के आतंकी संगठन बब्बर खालसा के लिए लाए गए 15 किलो RDX, 12 विदेशी पिस्टल और अन्य विस्फोटक सामग्री को बाड़मेर पुलिस ने पकड़कर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वह मामला 11 साल तक ट्रायल पर था। इस मामले में 4 आरोपी जेल में सजा काट रहे थे तथा 6 जमानत पर रिहा हो गए थे। वर्ष 2009 सितंबर 2009 में RDX और विस्फोटक पदार्थ मैगजीन पाकिस्तान से कुछ तस्कर लेके आए थे और यहाँ से आगे बब्बर खालसा ग्रुप को सप्लाई करना था। और उस प्रकरण में 2009 के प्रकरण में 11 साल तक ट्रायल चली। आज ट्रायल कंप्लीट हुई, जिसमें माननीय न्यायालय के न्यायाधीश सुश्री वमिता सिंह जी ने फैसला सुनाया। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और आर्म्स एक्ट विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम IPC की धारा 120B 153A के मैं सभी 10 आरोपियों को आरोपित माना और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हाँ, आज कोर्ट के अंदर इस संबंध में पुलिस ने 10 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था और 10 के 10 आरोपी न्यायालय में आज हाजिर थे, और जिसमें से 4 आरोपी जो पूर्व से JC थे और 6 आरोपी बेल आउट थे। 6 आरोपी आज कोर्ट में सरेंडर थे, जिनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। 10 के 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की विभिन्न विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई गई है और ये ट्रायल तकरीबन 11 साल चली है। 2009 का प्रकरण है और कुछ आरोपी जो फॉरेनर थे, जिनके खिलाफ पुलिस को अनुसंधान करना था, शेष है, वो पुलिस की पहुंच से दूर है, जिसमें 2 पाकिस्तान